हेलो दोस्तों, मैं एडिटर जतिन शर्मा एक बार फिर FCP 10 का एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जो है फाइल्स को रीलिंक करने से रिलेटेड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें फाइल्स को रीलिंक करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी करंट लोकेशन से हमारी फाइल्स डिलीट हो गई हों या फिर हमारे फोल्डर या फाइल को रीनेम कर दिया हो। तो चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी फाइल या क्लिप का लिंक ब्रेक करते हैं, इसे ऑफलाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं अपनी टाइमलाइन क्लिप को सेलेक्ट करता हूं और फिर राइट क्लिक करके नीचे रिवील इन ब्राउजर पर क्लिक करता हूं और फिर ये क्लिप ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाएगा। अब मैं फिर दोबारा से इस क्लिप पर राइट क्लिक करूंगा और इसको रिवील इन फाइंडर करूंगा। तो देखिए, अब हम इस फाइल की ओरिजिनल लोकेशन तक पहुंच गए। तो चलिए जल्दी से इस फाइल को रीनेम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर FCP 10 में मैंने फाइल को रीनेम भी कर दिया था, मगर फिर भी ये फाइल ऑफलाइन नहीं हुई, ये अभी भी कनेक्टेड है हमारी ओरिजिनल फाइल के साथ। तो चलिए एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ इस क्लिप के कनेक्शन को ब्रेक करने की। इस बार मैं कुछ और फाइल्स को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सेलेक्टेड फाइल को एक फोल्डर में ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब दोबारा FCP 10 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी फाइल्स अभी भी लिंक हैं या नहीं है। और ये देखिए, फाइल्स का लिंक अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि लिंक नहीं टूटा है अभी। तो चलिए एक बार फिर से फाइंडर विंडो में चलते हैं और इस बार फाइल्स को डिलीट करते हैं। और अब FCP 10 ने इन फाइल्स का कनेक्शन लूज कर दिया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे क्लिप इंटरनल ड्राइव या उसकी एक्चुअल लोकेशन से डिलीट हो जाएंगे, तभी FCP 10 में वो क्लिप्स ऑफलाइन दिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके क्लिप भी ऑफलाइन हो गए हैं और आप उन्हें रीकनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम ये रीकनेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको भी। अगर आपके पास उन क्लिप्स का बैकअप है, तो आप उन्हें जस्ट वहां से कॉपी करिए और वापस अपनी मेन लोकेशन, जो फोल्डर जहां पर आपके क्लिप्स ओरिजिनली मौजूद थे, वहां पर उन्हें दोबारा से पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करते ही आइए FCP के अंदर दोबारा चल के देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने उन क्लिप्स को दोबारा से पेस्ट किया, तो ये मेरे FCP 10 के अंदर दोबारा से रीकनेक्ट हो गए। ऑटोमेटिकली FCP 10 ने उन्हें स्टडी किया और मेरी क्लिप्स को रीकनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपकी फाइल्स डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो ऑफलाइन दिखा रही हैं, तो आप अपनी उन फाइल्स को अपनी ओरिजिनल लोकेशन से दोबारा से वापस उसी फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए जहां पर आपने पहले से रखी हुई थी, तो आपकी फाइल दोबारा रीलिंक हो जाएंगी। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जब सभी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं इस फाइल को एक बार से सेलेक्ट करता हूं, अभी फाइल में जाकर रीलिंक पे क्लिक करता हूं। अब आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी रीलिंक को लेकर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक मिसिंग फाइल का और एक ऑल। तो अभी के लिए हम ऑल पर ही रहने देते हैं और यहाँ नीचे इस जगह आपको ओरिजिनल फाइल्स का नाम दिखाई देगा जिसे आप रीलिंक कर रहे हैं। और अब थोड़ा और नीचे आने पर आपको ये लोकेट ऑल का बटन भी दिखाई देगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, अब ये फाइंडर विंडो को ओपन कर देगा। अब आपको अपनी फाइल की करंट लोकेशन पर जाकर उसे सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने फाइल्स को सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ नीचे चूज पर क्लिक करता हूँ। अब हम वापस अपनी लिंक विंडो में आ गए हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको ओरिजिनल फाइल और मैच्ड फाइल दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहाँ नीचे रीलिंक फाइल बटन पर क्लिक करना है और हमारी फाइल रीलिंक हो जाएंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन है या नहीं है। अब इसके बाद मैं फाइल में जाता हूं और रीलिंक पर क्लिक करता हूं। इस बार ऑल की जगह मैं यहां ऑफलाइन को सेलेक्ट करूंगा। इसका मतलब कि मैं इस विंडो को बोल रहा हूं कि मेरी सिलेक्शन फाइल्स में जो भी ऑफलाइन फाइल है, आपको सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करना है और उसे ही रीलिंक करना है, बाकियों को एज इट इज छोड़ देना है। तो अब मैंने अपनी फाइल्स को सेलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है और हम वापस रीलिंक विंडो में आ गए हैं। इस विंडो के अंदर यहाँ पर आपको ओरिजिनल फाइल और यहाँ पर मैच्ड फाइल दिखाएगा। FCP 10 हमारी फाइल्स को मैच करता है कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे, जैसे वो उसके पिक्सल बेसिस पर उसे कैलकुलेट करता है, उसके डायमेंशन बेसिस पे कैलकुलेट करता है कि वो HD है, SD है, 4K है, क्या है। और इसके अलावा फ्रेम रेट को भी मैच करता है कि वो 24 फ्रेम्स पे है, 25 फ्रेम्स पे है, 60 फ्रेम्स पे है या 120 फ्रेम्स पर है।
इसके अलावा वो फाइल फॉर्मेट को भी सिलेक्ट करता है कि क्या जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो MP4 में थी, JPEG में थी, PNG थी, MOV फाइल थी, क्विक टाइम थी, क्या थी। तो आपकी ओरिजिनल फाइल भी सेम फॉर्मेट पे होनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम इस रीलिंक बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सारी फाइल्स रीलिंक हो गई हैं और सबकी सब फाइल्स कनेक्ट भी हो गई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जो फाइल्स को रीलिंक करने के ऊपर था। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी FCP 10 को लेकर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस क्वेरी को अपने वीडियो के थ्रू क्लियर करूं। अगर आप FCP 10 के साथ साथ एडिटिंग की डिटेल्स भी सीखना चाहते हैं तो मेरे ट्यूटोरियल्स पे ज़रूर बने रहिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको एडिटिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा कि कितने तरह के कट्स होते हैं, कब हम शॉट को दूसरे शॉट पे कट करते हैं, किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है एक शॉट से दूसरे शॉट पे जाने के लिए, डायलॉग एडिटिंग कैसे की जाती है, ट्रेलर एडिटिंग कैसे की जाती है, इन सब के ऊपर भी बताऊंगा। बट अभी मैं FCP 10 के बारे में ही थोड़ा समझा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं एडिटिंग की और डिटेल्स को तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप मेरे कोई भी आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तो इसी के साथ मैं एडिटर जतिन शर्मा इज साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।